बीदी हो बीदी चुप खामोश बीदी हो बीदी मैंने ये गांवबाजी बोलना नहीं आता। प्रधानमंत्री होकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो एक लेडी के लिए, एक महिला मंत्री चीफ मिनिस्टर के लिए, सोनाक्षी के बाद हम ही है। अरे बहुत जान ज्यादा अभी प्रभु का चुप हो जा बोले तो हमारा बोले बहुत ज्ञान है कल्याण बाबू दांत देती है गर्भिषेक दौरा जिंदगी काम करती है इश्क मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है। उनके पुराने एलआईस को छोड़ के जा चुके हैं अब उनके पास कोई एलआईस बचा नहीं है सिर्फ 3 एलआईस बचे हैं ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स इन्हीं 3 एलआईस के दम पर चल रहे हैं धमकी देते हैं परेशान करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। शेरनी घायल होती है तो ज्यादा खतरनाक होती है और शेरनी को अटैक किया तो व्हील चेयर में उसने खड़ा हो गए खड़ा हो गए बोले खड़ा करो। अरे बहुत जान ज्यादा अभी प्रभु का आज चुप हो जा बोले तो हमारा बोले बतियाएगा हमारा बतियाएगा भौकर मिलों का इतना खचा खच ये खचा खच और ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदू धर्म में इतना वहां भी यहाँ भी और जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा बाहर भी खड़े हैं आप। लेकिन अब जो मैं आपके सामने आया हूँ और कल्याण बाबू ने इतनी अच्छी बात की और मैजिक मैन हमारे मोले बाबू को अच्छा बोलते ही है दिग्गज में बोल चुके हैं बहुत सारा दिग्गज को बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन एक दो चीज कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ कल्याण बाबू तो हमें बहुत निमंत्रण देते थे पहले ठीक कहते थे आपसे कि आपकी सोच सही है आप बहुत बुलंद हैं बहुत दबंग हैं आपकी सोच सही है आपका रास्ता ठीक नहीं है और आपको आना चाहिए ममता जी के नेतृत्व में आपको आना चाहिए तृणमूल कांग्रेस ये कहते थे। उसके बाद हमें कई लोगों ने कोशिश की और अंग्रेजन ममता जी से भी हमारी कई बार मुलाकात हुई उनका स्नेह मिलता था उनका अफेक्शन मिलता था वो जब भी दिल्ली आती थी कई बार मुलाकात होती थी कोलकाता जाता था कोलकाता मुलाकात होती थी और अचानक एक दिन या अचानक एक दिन से पहले कहूं कि मैं पूरे देश में सभी कार्यों में मास का ट्रू लीडर ए ग्रेट लीडर ए ग्रेट ह्यूमन ह्यूमन बी ए ग्रेट लेडी मोस्ट पॉपुलर द टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी को देश का सबसे बड़ा नेता मानता हूं हवाई चप्पल और कॉटन साड़ी से जो यात्रा शुरू गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके इंटीग्रिटी पे उनके ऑनेस्टी पे उनकी पॉपुलरिटी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता और उनके संघर्ष करने की क्षमता जो कला है उनके अंदर जो क्षमता है जो शक्ति है जो ममता है जो ताकत है कि संघर्ष करके उन्होंने दिखा दिया और आज बन गई है ट्राइड टेस्टेड एंड मोस्ट सक्सेसफुल लीडर। हाँ बॉटल पर तो अपनी अभी बंगाल में हमारे मित्रों की पार्टी हमारे दोस्तों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कितना धर्म शक्ति का इस्तेमाल किया कितना धन पावर मैन पावर मनी पावर गुण पावर धर्म शक्ति का ऐसा किया प्रोपेगेंडा मशीन लगा दिया गली गली में अपने नेता उतार दिए हजारों हजार कार्यकर्ता ला दिए कितने रोड शो किए कितने तमाशे किए और उसके बाद ममता जी के बारे में जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया
दीदी वो दीदी चुप खामोश, दीदी वो दीदी, मैंने ये गानबाजी बोलना नहीं आता। प्रधानमंत्री होकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं आप, एक लेडी के लिए, एक महिला चीफ मिनिस्टर के लिए, किसी भी महिला के लिए ये भाषा का प्रयोग, और उसके बाद क्या क्या झूठी सच्ची क्या क्या बातें की फैलाई। ममता जी पे अटैक तक हुआ, और अटैक ममता जी के पास जब अटैक हुआ तो कहते हैं ना कि शेरनी घायल होती है तो ज्यादा खतरनाक होती है, और शेरनी जो अटैक हुआ तो व्हील चेयर में उसने खड़ा हो गए पूरे बंदर भागे ममता बनर्जी और उनका सूपड़ा साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं कब आई और कब गई और कहां चली गई। ये व्हील चेयर से जो एग्जाम्पल पैदा किया ममता बनर्जी, तो हम उनके बहुत कायल हैं, बहुत कायर है ममता जी का। शुरू से जानती है कि मैं उनका बहुत बड़ा एडमायर हूं, बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। अचानक एक दिन, क्योंकि आप लोगों को देख रहा हूं यंगर जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और यंगर जनरेशन से मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में आना चाहिए। देखता हूं यंगर जनरेशन में इतने सारे लोग आज ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, और इतने सारे लोग आज कार्यकर्ता बन जो उभर रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग, छात्र लोग। और मैं हमेशा उनसे कहता हूं, जब लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, नहीं आना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो हमेशा मैं कोट करता हूं। मैंने अपने लिए भी कोट किया ये मंत्र, और उनके लिए भी कोट करता हूं कि गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न्ड बाय द ब्राइट पीपल। अगर राजनीति में आने के तैयार नहीं होंगे तो उन्हें तैयार रहना चाहिए बुरे लोगों के शासन में घुट घुट के जीने के लिए या घुट घुट के मरने के लिए, अच्छे लोगों को सामने आना होगा। और उसी प्रक्रिया में देख रहा हूं इतने सारे अच्छे लोग, इतने अच्छे अच्छे सच्चे लोग, इतने जवान लोग, नौजवान लोग आज शामिल हुए हैं और ममता जी के नेतृत्व को स्वीकारा। वैसे ही ममता जी का अचानक एक दिन सवेरे सवेरे मुझे किसी ने पूछना, किसी ने कहा मेरे बड़े भाई जवान स्टेट्समैन फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा भाई ने फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं। मैं योगा कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था योगा कर रहा था मैं, और पता चला कि सर आप अरे आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जगा हुआ हूं योगा कर रहा हूं। कल उठिए योगा छोड़िए, आपका नाम ही नाम सुधर में कहा नाम है नाम सुधर, मुझे कुछ पता नहीं। अरे इन पर फोन कीजिए, आपका नाम सुधरिया और ममता जी ने खुद ट्वीट किया है, और ममता जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की इच्छा है और हमारी भी ये इच्छा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल में जाकर जिम्मेदारी समझे और वहां से चुनाव लड़े। अभी मैं सोच ही रहा था कि तब तक ममता जी का खुद फोन आ गया। उन्होंने कहा शत्रुघ्न जी आपका नाम अभी हेमंत सोरेन दिए अपना भी जेते हो गए आसनसोल ना कर देना, ठीक ना कर देना, और अपना गेट को हमने कहा ममता जी का निर्देश, आसनसोल की जनता जनार्दन का आदेश मेरे लिए अध्यादेश बन गया। और मैंने कहा ठीक है, योर विश इज माय कमाल। और तब मुझे याद आए हमारे अपने कल्याण बाबू कब से कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्ञान है कल्याण बाबू, कब से कोशिश कर रहे थे, और ममता जी ने इनका या हमारे लोगों का चाहने वालों का सपना साकार किया। मैंने आओ देखा ताओ अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी भी आई है, मेरी बेटी बहू भी आई है, मेरा बेटा भी है, देखिए इसका फोटो चल रहा है मेरा, और खुश अरे बेटा का नाम लिया तो मुझको भी तो देखो,
ये बन गया टिकुआ का नाम लिया जैसे मुझे थोड़ा हमको देखिए हम बेटा है लव कुश और लव कुश और सोनाक्षी के बाप अम्मी है तो अब यहां से मेरा आगे है इंद्र के साथ पल पल क्षण हर क्षण हर पल आपका साथ देने के लिए आपका साथ लेने के लिए आपका सुख दुख का भागीदार हो पाया और आपकी समस्याओं को सुलझाने में ममता जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए मैं यहां आ गया। अभी हमें सब भोले बाबू से लेके प्रदीप दास सब कोई हमें खुशी दे रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे ममता जी से बात होती है रही है बहुत सारी चीजों में एक दो चीज कह दूंगा ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए कि ये जो है चुनाव कि दरअसल एक चुनौती है। चुनौती इसलिए कि चुनाव से लोकसभा का इलेक्शन है पूरे देश में एक ही लोकसभा का इलेक्शन है अल्पुआ आसन से लेकर फिर से देश और विदेश में पूरे फोकस में आ गया है पूरे फोकस में चारों तरफ की चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है इसलिए इस चुनाव में जब आपकी जीत होगी मैं नहीं कहा मेरी जीत आपकी जीत और आपकी जीत तो हम सबों की जीत है और ममता जी की जीत है तृणमूल कांग्रेस की जीत है जनता जनार्दन की जीत होगी लेकिन इस जीत से सरकार नहीं बदलने वाली इस जीत में नई सरकार नहीं आएगी लेकिन हाँ ये अहंकार से भरी सरकार जो है अहंकार से भरी हुई जिंदगी इससे घोष पाप्ता हो जाएंगे ये हिल जाएगी ये हिल जाएगी इससे लगेगा कि ये क्या हो रहा है क्योंकि आज रूलिंग पार्टी के पास दिल्ली में उनके पुराने एलाइंस को छोड़ के जा चुके हैं अब उनके पास कोई एलाइंस बचा नहीं है सिर्फ तीन एलाइंस बचे हैं ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स इन्हीं तीन एलाइंस के बल पर चल रहे हैं धमकी देते हैं परेशान करते हैं ऐसा लोगों का मानना है। ये हरकतें उनकी बंद होगी जब बुलंद आवाज ममता जी की और दबंग आवाज आपके शत्रुघ्न सिन्हा का सामने आएगा चुनाव के और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद और सहयोग होगा तो हम ईद से ईद बजा सकते हैं और ये संदेश दे सकते हैं कहा ईश्वर छोड़ में ना बाबा ईश्वर छोड़ बनाने पड़ेगा और आप कर सकते हैं आप जरा मुझे देखो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप मुझे देखो अगर मैं घर बार व्यापार परिवार छोड़ के देश के कोने कोने में जहां जहां जा सकता हूं समाज के लिए प्रदेश के लिए देश के लिए मैं अपना योगदान दे सकता हूं तो आप तो मुझसे ज्यादा कर सकते हैं इसलिए कि आपके अंदर ज्यादा जोश है ज्यादा जवानी है आप चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं आप ठान ले तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। दांत देवी है गर्भिशीर दौड़ा जिंदगी अहतराम करती है इश्क मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है आप कर सकते हैं आइए यहां पे हम सब लड़ाई में शामिल होना एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहां कोयला खदान की समस्याएं हैं मजदूरों की समस्याएं जो बहुत जबरदस्त समस्या है ये जो रोज रोज जैसा मरे लोगों ने बताया होगा आपको डिटेल में पेट्रोल का गैस का डीजल का दाम इलेक्शन खत्म होते ही जैसे आप आगे बढ़ाए जा रहे हैं कहीं पर रुपया रुपया रोज बढ़ते जा रहा है सिलेंडर हजार रुपए से ऊपर का हो जा रहा है तेल का दाम 200 से ऊपर जा रहा है ये सारी बातें जो हो रही हैं इन पर रोकथाम के लिए इन पर लगाम के लिए इनको चौकन्ना करने के लिए इनको चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आसनसोल का इलेक्शन ये जीत बहुत जरूरी है खासकर ममता बनर्जी की जीत। आप देखिए ये प्राइवेटाइजेशन किसने किया था हमारे कांग्रेस के फ्रेंड्स ने किया था तो वो तो ठीक करेंगे नहीं ये एफडीआई 100% एफडीआई किसने किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने किया है
तो कुछ करेंगे नहीं, सेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, रेल बेच रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, यहाँ पे पूरा एकदम एफडीआई कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो कौन लड़ सकता है? आसनसोल की जनता के साथ अगर सही माने में कोई दिशा निर्देश लेकर लड़ सकता है तो है ममता बनर्जी जी, और ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई कदम से कदम मिला के चल सकता है, बड़ा आवाज बुलंद चल सकता है, तो आपका अपना भाई शत्रुघ्न सिन्हा। और मेरी फितरत है, मेरे आपने देखा है कैरेक्टर पहले देखा है, मैं जानता हूं कि बंगाल के लोग और खासकर आसनसोल के लोग बहुत ही पोलिटिकल माइंडेड है, बहुत समझ उनको राजनीति की। तो आपको याद होगा कि जब मैं पार्टी में था अचानक रातों रात जब नोटबंदी कर दी थी, अचानक रातों रात नोटबंदी कर दी, अहंकार में डूबे हुए लोगों ने हमारे यंगर जनरेशन बर्बाद हो गया, बेरोजगारों की टीम बढ़ गई, हमारे किसान, हमारे रहड़ी वाले, हमारे पटरी वाले, हमारे दुकानदार, छोटे छोटे बेचने वाले दुकानदार सब बर्बाद और तबाह हो गए। और सबसे ज्यादा तबाह परेशानी हुई तो हमारे अपने घर की महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, जो सालों साल पति से और पिता से छुपाकर मगर अच्छी नीयत से उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं की शादी ब्याह के लिए, उन्हीं की बीमारी के इलाज के लिए जो पैसे छुपा छुपा के तकिया के नीचे रखते थे या अलमीरा के पीछे रखते थे, अचानक रातों रात सारे पैसे हवा हवाई हो गए, उन औरतों की कितनी आंख लगी होगी, कैसा हुआ होगा, हम खुद सोच सकते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी ने आवाज बुलंद की थी इसके खिलाफ नोटबंदी के, जिससे हमारी लड़ाई शुरू हुई थी ज्यादा, तो मैंने आवाज शुरू की थी, मैंने आवाज बुलंद की थी, आपको पता होगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया, जीएसटी में लोग बर्बाद हो गए और हालत खराब हो गई, नीम पे करेला हो गया, लोग कहने लगे क्या कर दिया। आपको पता है साल में 365 दिन होते, 365 डेज इन ईयर, वो जीएसटी में इतना कॉम्प्लिकेशन है और इतना कंफ्यूजन है कि आज तक 375 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, एक दिन में एक से ज्यादा अमेंडमेंट हो रहा है। तो मैंने जो आवाज उठाई और इधर हमें दिखाई पड़ी हमारी ममता जी, तृणमूल कांग्रेस अपने अच्छे अच्छे लोग, अपने अच्छे अच्छे मित्रगण, हमने कहा ठीक है, कई बार सही दिशा में जाने के लिए नई दिशा में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं सही दिशा में आया, भले ही नई दिशा हो, लेकिन सही दिशा में आया, दस फार एंड नो फर्दर, इस संकल्प के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी जो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है, बहुत कुछ करना है, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जैसे कि उत्पल बाबू इतना बढ़िया से कविता सुना रहे थे बंगाली में, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, उसी तरह कवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियां हिंदी की है, वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और आज के मौके पे सटीक बैठता है। मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता जी के निर्देश की तरफ से, आप लोगों के प्यार से मैं सामने उस कविता की चंद लाइन पढ़ता हूं, पंक्तियां कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों कितने हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद होनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मैं रविंद्र भवन में अपने तृणमूल कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता जनार्दन को, खासकर एंगर जनरेशन को, आखिरी दो पंक्तियां दुष्यंत कुमार के समर्पित करता हूं कि मेरे सीने में नहीं,
तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जल्दी चलो। तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घरवार व्यापार परिवार जिंदाबाद, आसनसोल जिंदाबाद, जय बांगला, जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बंधु भात्र जिंदाबाद। खेला हो गया, खेला हो गया, खेला हो गया, निश्चय निश्चय।